भगवान में मन कैसे लगे उसकी चार बातें समझ लेनी चाहिए। बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान का स्वरूप क्या है, बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, मन से भगवान के गुणों का, भगवान के भावों का चिंतन करें, शरीर से भगवत सेवा करें और कर्म भगवान को अर्पित करें। इससे मन भगवान में लग जाएगा। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण, भगवत सेवा, मन से भगवान, भगवत भावना और भगवत चिंतन और बुद्धि में भगवान के स्वरूप का चिंतन, जो सदा है, सत है, चित है, आनंद है, हरि है जिसका नाम, राम जिसका नाम है, शिव जिसका नाम है, सबका मंगल करते तो नाम शिव हो गया, रोम रोम में बस रहे हो तो नाम राम हो गया, हर जगह हो तो नाम हरि हो गया। अपनी महिमा से कभी आप च्युत नहीं होते तो आपका नाम अच्युत हो गया, हे परमेश्वर हजार हजार आपके नाम। तो भगवान के स्वरूप के चिंतन से, भगवान के गुण के चिंतन से, भगवत सेवा से और भगवत अर्पित कर्म से मन भगवान में लग जाता है। हरि ओम 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 नारायण नारायण हरि ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम। ये भी एक तरीका है, लेकिन एक ही तरीके से सदा मन नहीं मानता, अलग अलग तरीकों से मन को भी आह्लाद, बुद्धि को भी सूझबूझ। आधा घंटा ध्यान करें तो एक सप्ताह तक दुखों से, मुसीबतों से, संसार के कष्टों से जूझने की शक्ति बनी रहती।